हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फ्री में जानो में। दोस्तों आज की ताज़ा खबर ब्रेकिंग न्यूज, अब राशन कार्ड की जगह मिलेंगे रुपए और अब राशन नहीं मिलेगा। तो दोस्तों अब राशन कार्ड की जगह मिलेंगे 2600 रुपये सभी राशन कार्ड धारकों को। अगर आपके पास राशन कार्ड है तो आपको 2600 रुपये मिलेंगे हर महीने और राशन नहीं मिलेगा। तो दोस्तों प्रधानमंत्री द्वारा चलाई गई इसी स्कीम के तहत अब राशन कार्ड वालों के लिए राशन नहीं मिलेगा और सीधे बैंक खाते में मिलेंगे 2600 रुपये। तो इसमें आप किसी भी राज्य के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, तेलंगाना हो, राजस्थान हो, जम्मू कश्मीर हो, महाराष्ट्र हो, पश्चिम बंगाल हो, यानी मध्य प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, उत्तरांचल हो, किसी भी राज्य के रहने वाले हैं, आपको केंद्र सरकार देगी 2600 रुपये अगर आपके पास राशन कार्ड है। अब राशन नहीं मिलेगा और हर महीने 2600 रुपये दिए जाएंगे। तो दोस्तों कैसे मिलेंगे, केंद्र सरकार अब गरीबों को राशन कार्ड पर खाद्यान्न देने की बजाय अब सीधे पैसे बैंक अकाउंट में देगी। तो दोस्तों अब केंद्र सरकार गरीबों को राशन देने की बजाय सीधे बैंक अकाउंट में पैसे डालेगी। तो दोस्तों कैसे डालेगी, हम आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ये जो लाल कलर का सब्सक्राइब लिखा दिख रहा है दोस्तों, इसे टच करते हैं। जैसे ही आप इसे टच करेंगे इसके पास एक बेल आइकन घंटे का निशान आया है, उसे भी टच कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप देख सकें हमारी नई नई वीडियो। सबसे पहले दोस्तों ये लाइक वाले बटन को दबा के नीला कर दें ताकि हमें पता चले आपने हमारी वीडियो देखी और लाइक कर दिए। शेयर वाले ऑप्शन से शेयर करते हैं अपने यार दोस्तों के साथ फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, और दोस्तों नीचे की ओर आके आपको कमेंट कर देना है और दोस्तों नीचे आकर कमेंट में लिख देना है आपका राशन कार्ड कौन सा है, APL है, BPL है या अंत्योदय है, गरीबी रेखा से नीचे वाला है, उसी हिसाब से आपके खाते में भी आएंगे 2600 रुपये हर महीने। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, आज का टॉपिक है अब राशन कार्ड की जगह मिलेंगे रुपए, जाने आपको कितना मिलेगा। तो दोस्तों अब राशन कार्ड की जगह मिलेंगे रुपए, केंद्र सरकार गरीबों को राशन कार्ड खाद्यान्न देने की बजाय अब सीधे बैंक अकाउंट में उन्हें पैसे देगी। तो दोस्तों अंत्योदय और पात्र ग्राही कार्ड धारकों को सब्सिडी देने की बजाय अब नए साल में इस योजना की शुरू होने की पूरे आसार हैं। इसके लिए राशन कार्ड धारकों को आधार से लिंक कराने की प्रक्रिया तेजी से पूरी की जा रही है। तो दोस्तों अब सभी के राशन कार्ड अपने आधार कार्ड से लिंक कराए जाएंगे तभी आपको मिलेंगे पूरे 2600 रुपये हर महीने। दरअसल केंद्र सरकार को आए दिन मिलने वाली शिकायतों को देखते हुए फैसला लिया है। तो दोस्तों केंद्र सरकार ने आए दिन शिकायतों को मिलने वाली सभी सुविधाओं को समाप्त करने के लिए ये फैसला लिया है। तो दोस्तों आई एक्शन क्लूसिव कानपुर में 5,48,127 राशन कार्ड धारकों को बैंक अकाउंट किए गए आधार से लिंक। तो दोस्तों इतने राशन कार्ड धारकों को बैंक अकाउंट से लिंक कर दिया गया है। शहर में 64% से ज़्यादा लोगों को इस योजना का लाभ सीधे बैंक अकाउंट में आएगी सब्सिडी। तो दोस्तों 64% लोगों को इस योजना में सीधे बैंक अकाउंट में मिलेंगे 2600 रुपये सब्सिडी में, सब्सिडी के रूप में हर महीने मिलेंगे 2600 रुपये घर के मुखिया के खाते में आएंगे। तो दोस्तों जिनके नाम ये खाता राशन कार्ड होगा उसी के खाते में आएंगे हर महीने 2600 रुपये। तो दोस्तों मुखिया के खाते में आएंगे पैसे तो रुपए। तो दोस्तों शहर में 63,167 अंत्योदय कार्ड धारक हैं जिसमें से 6,91,033 पात्र ग्राही राशन कार्ड धारक हैं। इनमें से 5,40,172 कार्ड धारकों के बैंक अकाउंट को आधार से लिंक कर दिया गया है। वहीं 5,48,127 कार्ड धारकों को बैंक अकाउंट को राशन कार्ड से लिंक कर दिया गया है। शासन ने इस योजना के लिए कैबिनेट में बिल भी पास हो गया है। तो दोस्तों इस योजना का कैबिनेट में बिल भी पास हो गया है। सूत्रों के मुताबिक इस योजना को नए साल में शुरू कर दिया जाएगा। वहीं डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर से प्राप्त जानकारी के आधार पर इसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। जल्द ही इसके लागू होने की उम्मीद है। तो दोस्तों शिकायतों को देखते हुए उठाया बड़ा कदम। शुरुआती चरण में 64% शहरी और 79% ग्रामीण क्षेत्र के कार्ड धारकों को इस योजना का लाभ मिलेगा। माना जा रहा है कि हर महीने 2600 रुपये सब्सिडी के रूप में कार्ड धारक को दिए जाएंगे। बताते चलें कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार को आए दिन खाद्यान्न विवरण को लेकर शिकायत मिलती है। वहीं फूड सिक्योरिटी एक्ट के संशोधन करते हुए सब्सिडी की रकम अब सीधे कार्ड धारक के खाते में जाएगी। कार्ड धारक को लाभ पहुंचाने और राशन में होने वाली धांधली को रोकने के लिए इस योजना की शुरू की है। तो दोस्तों अब धांधली को रोकने के लिए योजना शुरू की है। तो दोस्तों आंकड़े, शहर में अंत्योदय कार्ड होल्डर 63,147 हैं, पात्र ग्राही कार्ड धारक होल्डर 6,91,033 पात्र ग्राही कार्ड धारक हैं।
शहर के कोटेदारों की संख्या 910 है। तो दोस्तों शहर में कोटेदारों की संख्या 910 है। अंत्योदय कार्ड में दर्ज यूनिट 255,114 है। टोटल कार्ड धारकों की संख्या, तो दोस्तों टोटल कार्ड की संख्या है 7,54,180 लिंक किए गए आधार से। तो दोस्तों इतने 5,60,172 कार्ड जो है आधार से लिंक कर दिए गए हैं। दर्ज किए गए बैंक अकाउंट, तो दोस्तों 5,48,127 लोगों के बैंक अकाउंट दर्ज कर दिए गए हैं। फिलहाल इस रेट पर मिलता है राशन। तो दोस्तों गेहूँ 2 रुपये प्रति किलो मिलते हैं और चावल 3 रुपये प्रति किलो मिलते हैं। चीनी 13.50 रुपये प्रति किलो मिलती है, यानी 13.5 रुपये प्रति किलो मिलती है। तो दोस्तों ये दिए गए रेट नेशनल फ्रूट सिक्योरिटी एक्ट के तहत तय किए गए हैं। तो दोस्तों ये रेट सिक्योरिटी फ्रूट के तहत ये तय किए गए हैं। इसी रेट पर मिलते हैं सभी को, चावल चीनी गेहूं तेल और सभी को मिलते हैं इसी रेट पर। सरकार की मानसिक है कि इसमें बदलाव किया जाए, ज़्यादातर राशन कार्ड धारकों के बैंक अकाउंट को आधार से जोड़ दिया जाए। योजना के शुरू होने की कार्ड धारक को सीधे अकाउंट में सब्सिडी के रूप में मिले 2600 रुपये। तो दोस्तों अगर आपका राशन कार्ड है तो आपको भी मिलेंगे 2600 रुपये, और अपना राशन कार्ड अपने आधार और आधार से लिंक कराएं फिर मिलेंगे आपको 2600 रुपये। तो दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और ऐसी नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपने अपना कीमती समय दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।